ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बनाएंगे नारियल की चटनी। आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माय YouTube चैनल। चलिए बनाते हैं हरे नारियल की चटनी। चटनी बनाने के लिए हमें चाहिए होगा हरा नारियल, भुनी हुई मूंगफली गिरी, हरी मिर्च, अदरक, करी पत्ता, सेंधा नमक और देसी घी। चटनी बनाने के लिए सबसे पहले आप मूंगफली लें। अगर आपके पास भुनी हुई मूंगफली नहीं है तो आप मूंगफली को ड्राई रोस्ट कर लें। लगातार हिलाते हुए इसे कढ़ाई में भुनें। मूंगफली जब भुन जाए उसे ठंडा कर लें। ठंडा होने के बाद दोनों हाथों से रगड़ते हुए इसके छिलके उतार दें। अब नारियल लें। नारियल को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें और एक मिक्सर ग्राइंडर में नारियल के टुकड़े, हरी मिर्च, अदरक और मूंगफली डालकर और थोड़ा सा पानी डालकर इसे ग्राइंड कर लें। अब इसे किसी बर्तन में निकाल लें और उसमें स्वादानुसार सेंधा नमक डालें और अच्छी तरह मिला लें। अब थोड़ा सा देसी घी लें, उसे अच्छी तरह गर्म करें, उसमें लाल मिर्च और करी पत्ता डाल दें और उसे भूनें। इसे तैयार नारियल की चटनी में डाल दें। तैयार है स्वादिष्ट नारियल और मूंगफली की चटनी। इसे आप व्रत के डोसे के साथ खाएं।